यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर बस एक्सीडेंट हुआ है, बस खाई में गिरी है। तो बड़ी खबर ये उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई है और हादसे में दो लोगों की मौत बताई जा रही है। तो बस खाई में गिरी, जिस वजह से यह हादसा हुआ, दो लोगों की मौत बताई जा रही है और 13 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खबरें अभी तक। और बस हादसे का शिकार हुई है जिसमें दो लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। करीब 13 लोग हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। टिहरी के पाखी देवी के पास यह हादसा बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खाई में बस के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ और हादसे में दो लोगों की मौत बताई जा रही है और इसी के साथ घायलों की संख्या भी करीब 13 के आसपास बताई जा रही है। गंभीर रूप से लोग इसमें घायल हुए हैं। तो टिहरी के पाखी देवी के पास का यह हादसा बताया जा रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन बस खाई में गिर गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तो दो लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है, करीब 13 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर ये उत्तराखंड से, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई है, दो लोग इसमें मारे गए हैं और इसी के साथ 13 लोग बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करवाया गया है। तो खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है और काफी दर्दनाक ही हादसा, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और करीब 13 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी के आसपास यह हादसा हुआ है, जहां पर यह बस खाई में जा गिरी और खाई में गिरने की वजह से इसमें दो लोग जिनकी मौत बताई जा रही है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टिहरी के पाखी देवी के पास यह हादसा बताया गया। तो खाई में बस के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है अस्पताल में, लेकिन दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।